नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ आपके साथ मैं बहुत ही बड़ी मेन चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आरआरबी जेईई सीवीटी 2 का, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आंसर की आ चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है, यहाँ पे ब्रांच वाइज, पोस्ट वाइज कट ऑफ, जोन वाइज कट ऑफ, यहाँ पे बिल्कुल हम लोग सेफ कट ऑफ की बात करेंगे कि आप लोग के मार्क्स अगर इसके बीच में है, रॉ मार्क्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपके मार्क्स इनके बीच में है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि हर जोन का एक तो मेन चीज़ है, कट ऑफ आपकी अलग अलग जानी है, एंड ब्रांच वाइज कट ऑफ भी आपकी हर ब्रांच की अलग अलग जानी है। ठीक, तो कुछ इसमें कई केसेस ऐसे आते हैं कि मान लीजिए आपका है किसी जोन में है, आप लोग मान लीजिए इलाहाबाद जोन में आपके आ रहे हैं 78 मार्क्स और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट वही चीज़ आपका अगर मालदा हो गया, रीज़न हो गया, कोई अदर रीज़न के हो गए और वहाँ पे 58-68 मार्क्स आ रहे हैं, वो उसमें भी आपका सिलेक्शन है, तो उस केस में फ्रेंड्स मैं वो चीज़ की बात नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं ये चीज़ आपको बस यहाँ पे इस चीज़ की जनरल रॉ मार्क्स बता रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स इतने मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं तो आप लोग सेफ़ हैं और आप लोग के मार्क्स, आप लोग सेफ जोन में हैं और आप लोग मतलब कि आगे की चीज़ की प्रोसीजर के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बस ऑन एवरेज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे सेफ कट ऑफ्स क्या है, रॉ मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, तो इतने मार्क्स के लिए आप लोग क्लियर कर सकते हैं इंडियन ब्रांच का, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब जल्दी ही ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एंड अब रिजल्ट भी आने वाला है आपका आरआरबी जेईई सीवीटी 2 का। ठीक, तो उसके लिए आपके सभी के मन में इतनी हलचल मची हुई है कि आप लोग का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ इसमें फ्रेंड्स, अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं तो आप लोग उस चीज़ के लिए ये मत सोचिए कि आप लोग का मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप लोग फिर कमेंट्स में गाली वगैरह लिखना शुरू कर दें, तो वो सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं आपके लिए भी। ऑन एवरेज हम लोग अपनी तरफ से बताते हैं कि मतलब इस टाइप से कट ऑफ जा सकती है, हम लोग खुद एनालाइज़ करते हैं अलग अलग वीडियोज़ पर, अलग अलग चैनल्स पर एंड अलग अलग चीज़ों की हम लोग एनालाइज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, मतलब कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स क्या क्या आए हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने रॉ मार्क्स हैं उनके, कितने नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, पोलिंग के थ्रू देखते हैं, तो उसके ऑन एवरेज पे हम लोग उनके रॉ मार्क्स का हम लोग के ये वीडियो में लैब के लिए लेके आया हूँ कि इसमें आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और आपके मतलब अगर आप यहाँ पे दोस्तों, और भी चीज़ मैं बता दूँ कि सिविल की है इस बार थोड़ी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, लो जाएगी, अगर आपके रॉ मार्क्स इसमें सिविल में आपके 75-85 के बीच में अराउंड में आ रहे हैं, 75-85 बड़े जोन्स की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मल छोटे जोन्स में बहुत कम कट ऑफ भी जाती है कि जहाँ पे आपके 75-85 में, यहाँ की रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, वहीं पे अगर आपके 50-60 मार्क्स भी हैं बट छोटे जोन में की हैं तो फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन तब भी होगा। बट ऑन एवरेज मैं यहाँ पे रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिविल में हैं और उसमें आपके रॉ मार्क्स 75-85 आ रहा है तो आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन है और आपका सेफ स्कोर है ये आपका। ओके, देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में अगर आपके रॉ मार्क्स 80-95 आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो रहा है। ओके, देन मैकेनिकल के रॉ मार्क्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर 95-105 के बीच में अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, आप लोग डॉक्यूमेंट और मेडिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। ओके, देन ईसी की मैं बात करूँ, ईसी और आईटी के, यहाँ पे स्टूडेंट्स की आईटी भी इसमें आप जोड़ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसके रॉ मार्क्स आपका यहाँ पे 90-95 अप्रॉक्स जाएगा आप लोग का इस जोन में। अगर आपके रॉ मार्क्स इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सेफ स्कोर हैं आप लोग का और आप लोग आगे के प्रोसीजर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक, ये फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं। और अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जोन वाइज कट ऑफ, ब्रांच वाइज कट ऑफ, पोस्ट वाइज कट ऑफ सबकी अलग अलग जाएगी। और फ्रेंड्स आप ऐसा भी जानते हैं कि ब्रांच वाइज कट ऑफ यहाँ पे सिविल की सबसे कम जाने वाली है इस बार, क्योंकि ऑन एवरेज इसकी कम जा रही है। ठीक, और यहाँ पे पोलिंग के थ्रू भी पता चला है कि स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके मार्क्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो उसके हिसाब से भी कम आ रही है। और नॉर्मलाइजेशन में भी फ्रेंड्स ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हर यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट्स थे नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके बहुत कम मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स ऑन एवरेज आप लोग के इतने मार्क्स के अराउंड आप लोग का यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको फ्रेंड्स पता पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।